हेलो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम पांच ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो एस्पिरेंट्स अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, और आपको अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इन पांच गलतियों को आपको करना होगा अवॉइड, है ना। अगर आप इस पांच गलतियों को अवॉइड नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका एक अटेम्प्ट खराब हो जाए इन गलतियों के चक्कर। तो सबसे पहली जो गलती है वो है सिली मिस्टेक्स। आपने अगर मॉक टेस्ट लगाया होगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होगे तो आप वहाँ देखते होगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते हैं, यू हैव गुड नॉलेज अबाउट देम, आपको करेक्ट आंसर पता होता है, फिर भी आप जल्दीबाजी में उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो। ये पहला टाइप का सिली मिस्टेक्स होता है जो लोग करते हैं। दूसरा, कभी वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, इस वजह से क्वेश्चन में कहीं कहीं नॉट लिखा हुआ होता है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो इस चक्कर में लोग सिली मिस्टेक कराते हैं क्योंकि आपसे पूछा होता है कि कौन सा सही नहीं है और आप बता के आते हो कि कौन सा सही है, इस वजह से आपका आंसर गलत होता है। उसके बाद थर्ड, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पता है, आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, आपको आंसर भी पता है, आपने आंसर भी मार्क कर लिया, बट जब आप उसको मार्कशीट पे जो आंसर कॉपी होती है ना, मान लीजिए नंबर ए है, 1 2 3 4 5 दिए गए, यहाँ जब आप फील कर रहे होते हैं उसको, तो आप क्या करते हो, जो बी सवाल का आंसर था वो गलती से ए में फील कर देते हो और ए का जो आंसर था वो बी में कर देते हो। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ के भी आपके 2 मार्क्स कट होते हैं, यहाँ के भी 2 मार्क्स कट होते हैं, और साथ ही 1.5 मार्क आपके नेगेटिव भी चले जाते हैं। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। अब ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड कैसे होंगे, आप जब भी प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स लगाने के बाद जब आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप चेक करो कि आपके कितने सिली मिस्टेक्स निकल रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि आपने पहला टेस्ट लगाया और उसमें आपके 20 सिली मिस्टेक्स निकले, तो आप अगले सेट्स जब लगाएंगे, अगला जब मॉक टेस्ट देंगे आप, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि किस टाइप के सिली मिस्टेक्स आपने टेस्ट 1 में किए हैं, और वैसे सिली मिस्टेक्स को यहाँ पे करने से बचिएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके सिली मिस्टेक्स 15, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपके सिली मिस्टेक्स 0 तक आ जाएंगे, ठीक है। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके सिली मिस्टेक्स का लेवल 0 तक आ जाए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स मतलब क्या हो गया, सिली मिस्टेक्स मतलब ये हुआ, वो सवाल जो आसान थे, वो सवाल जो सबको आते हैं, आपको भी आते हैं, आप ऐसे सवाल गलत कर रहे हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी गलती टाइम मैनेजमेंट की। बहुत एस्पिरेंट प्रैक्टिस तो करते हैं, वे मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, बट वो टाइम मैनेज करके नहीं चलते, ठीक है। अगर वो घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो कोई टाइम लिमिट सेट करके मॉक टेस्ट नहीं लगाते, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। और अगर आप एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, और आपने मान लो कि आपने 80 सवाल कर लिए हैं, 80 क्वेश्चन, लास्ट के 20 बाकी हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस में से मान लो कि 10 बहुत हार्ड होंगे और 10 आसान, वी कैन से इजी या फिर मॉडरेट लेवल के होंगे, तो ये 10 क्वेश्चन जो आपके छूटेंगे, 10 क्वेश्चंस का मतलब क्या, 10 into 2 20 मार्क्स। अब अगर आप 20 मार्क्स एग्जाम में छोड़ के आ रहे हो तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो जा रहे हो। इस वजह से आपको जब भी घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर इंस्टीट्यूट में जाके मॉक लगा रहे हो, आपको टाइम मैनेज करना सीखना है, आपको टाइम पे पेपर ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, टाइम से 10-15 मिनट पहले ही आपका पेपर ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वो जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, वो मॉक टेस्ट तो पेपर पे लगा लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन 1 है, ए बी सी
डी, ठीक है, यहाँ पे तो लगा लेते हैं और उसके बाद यहीं पे मार्क कर लेते हैं आंसर और यहीं से चेक कर लेते हैं कि ये जो पेपर है सही हुआ है या गलत हुआ है, एनालिसिस भी यहीं से कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप ये पेपर कर रहे हो तो आपको आदत क्या हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी 2 घंटे में एक पेपर करने की, ठीक है, बट आपने इसमें OMR सीट पे जो आपको मार्क करना होता है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, वो टाइम आप नहीं निकाल पाओगे और रस में आपके OMR सीट पे काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो जाएंगी। इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत अच्छा हो। अगली गलती ये है, कुछ लोगों को करेंट अफेयर्स का फीवर हो जाता है, यानी कि वो अगर दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 4 से 5 घंटे या फिर 6 घंटे करेंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते हैं, जबकि करेंट अफेयर्स का जो वेटेज है एग्जाम में इतना है नहीं, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि 80-20 का वेटेज है, है ना। अगर स्टैटिक 80% आता है तो करेंट अफेयर्स 20%, तो आपको अपना 80% ऑफ द टाइम कहाँ देना चाहिए, इस पे, स्टैटिक पे, क्योंकि स्टैटिक आप सालों से प्रिपेयर कर रहे हो और ये प्रिपेयर करना भी आसान होता है, इसकी किताबें फिक्स होती हैं। करेंट अफेयर्स में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कहाँ से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, और आप चाहे कोई 2-3 मैगजीन के भी ये कर लो, क्या बोलते हैं, 2-3 मैगजीन से करंट अफेयर्स कर लो, फिर भी आप ये एश्योर नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे और यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप सही कर पाओगे। तो 80-20 का अगर रेशियो बन रहा है तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, तो मानिए कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे में से आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए स्टेटिक, ठीक है, और 2 घंटे पढ़ना चाहिए करेंट अफेयर्स। आपको बैलेंस करके चलना है, आपको किसी को ज़्यादा वेटेज नहीं देना, अगर ज़्यादा वेटेज देना है किसी को तो उसको देना है जिसका वेटेज एग्जाम में भी ज़्यादा है, जैसे स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा है तो स्टैटिक को ज़्यादा टाइम देना है। अब जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक में भी कुछ सब्जेक्ट के वेटेज ज़्यादा होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सब्जेक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो जब भी आप स्टैटिक भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इन सब सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो ये जो करेंट अफेयर्स का जो नशा चरा होता है इसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है, आपको बैलेंस करते हुए आपकी पढ़ाई करनी है। अगला जो पॉइंट है या फिर अगला जो गलती है जो लोग करते हैं वो है रनिंग बिहाइंड परफेक्शन। अब रनिंग बिहाइंड परफेक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठे हो, मान लीजिए कि आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ने बैठे हो, लक्ष्मीकांत का कोई भी चैप्टर ले लेते हैं, प्रियम्बल पढ़ने बैठे हो, तो आपने प्रियम्बल जब पहली बार पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग की होगी, तब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। जब आप सेकेंड रीडिंग पढ़ रहे हैं ना तो आपको सिर्फ यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने या तो हाईलाइट करके रखा होगा फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग के बाद, या तो अंडरलाइन करके रखा होगा। पर कभी कभी लोगों की मेंटेलिटी ये हो जाती है कि वो चाहते ही नहीं कि कुछ पॉइंट्स यहाँ से छूटे, तो क्या होता है कि फर्स्ट रीडिंग भी उन्होंने सारा फर्स्ट रीडिंग लाइन बाय लाइन पढ़ा था, सेकेंड रीडिंग भी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और थर्ड रीडिंग भी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आप यहाँ रेस से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो एक्सप्लेनेशन आप रट्टा करो या याद करो उसकी ज़रूरत नहीं होती, आपको बस मेन पॉइंट्स आना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी गलती है ये
लोगों से हो जाती है आखिरी के महीने में खास करके, ये है लेक ऑफ सेल्फ बिलीफ। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, वैसे वैसे सेल्फ बिलीफ ख़त्म होते जाएगा। आपको ये लगेगा कि अभी तो मेरा सिलेबस ख़त्म ही नहीं हुआ है, आपको लगेगा कि मेरा स्टैटिक नहीं हुआ है, आपको लगेगा कि मेरा करेंट अफेयर्स काफ़ी बाकी है, आपको लगेगा कि मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनका काफ़ी अच्छा तैयारी हो चुका है और वो मुझसे काफ़ी आगे हैं, ठीक है, आपको आपने मॉक टेस्ट काफ़ी नहीं दिए हैं या फिर मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप डाउटफुल हो जाओगे खुद को लेके कि मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ बिलीफ ये सबके साथ होगा, जितने भी UPSC के एस्पिरेंट हैं ना, उन सबको यही लगेगा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है। लेकिन मेरी बात मान लीजिए कि जो भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनको ये जब भी डाउट होगा, वो खुद से यही बोलेंगे कि मैं कर लूँगा और मैं कर रहा हूँ, और मैं पिछले एक डेढ़ साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं उसे कर लूँगा और मुझसे हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो खुद में सेल्फ बिलीव रखते हैं, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हैं कि मेरा हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मैंने काफ़ी पढ़ाई करी है और मैं काफ़ी पढ़ाई करूँगा, ऐसे ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। कारण क्या है कि जब ये सेल्फ बिलीव स्टूडेंट का टूटता है ना, मान लीजिए कि आपका सेल्फ बिलीव टूट गया, डाउन हो गया, तो आपको अब पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको अब ना तो आप रीड करोगे कुछ, ना ही आप रिवाइज करोगे, क्योंकि आपके मन में आपने मान लिया है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो आपका दिमाग अब एफोर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई एफोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो आप खुद में सेल्फ बिलीफ रखिए, क्योंकि सेल्फ बिलीफ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेल्फ बिलीफ रखिए, जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है उसको पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है, अगर आप काफ़ी रिवीजन कर लेंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में हर एक पॉइंट को रिकॉल कर पाओगे। ये मेंस एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए फिर ही आप लिखोगे, आपको याद करके नहीं लिखना है, आपको रिकॉल करके लिखना है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि लास्ट के महीनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओ, ठीक है।